YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में पलामू जिला खो खो एसोसिएशन के तत्वावधान में जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बालक बालिका वर्ग के लिए खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला स्कूल के मैदान में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन संरक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नारियल फोड़कर किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि श्री सिंह ने प्रतिभागी टीमों से परिचय लिया और मौजूद सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह वर्धन किया। उन्होंने प्रेस से मुखातिब होकर कहा कि प्रतियोगिता आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ साथ युवा वर्ग में शक्ति का संचार करना है। खो खो खेल प्रतियोगिता में गिरवर स्कूल, एमडीएम जीजीपीएस जमुनी और संत मरियम सहित कई विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया, जहां विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। आज भारत के स्तर पर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारत में खेल दिवस मनाया जा रहा है। इस खेल के माध्यम से युवा वर्गों में शक्ति प्रदान करना है, राष्ट्र को एकताबद्ध सूत्र में एकता में बांधना है और आपसी प्रेम और सद्भावना का प्रेम प्रतीक बन करके इस खेल का शुरुआत करना है। आज हम सभी नौजवान, सभी बच्चों, सभी बच्चियों को आज शुभ शुभकामना व्यक्त करते हैं कि तुम आज के दिन ध्यानचंद जी के नाम पर, जिस प्रकार ध्यानचंद जी ने जिसमें भारत का नाम उज्ज्वल किया था हॉकी जगत में, उसी तरह अपने अपने क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में तुम पसंद करते हो खेल, एथलेटिक, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, उस क्षेत्र में तुम आगे बढ़कर ध्यानचंद के नाम को रोशन करो और भारत में युवा शक्ति बढ़कर देश का मान और स्वाभिमान बढ़ावे।